नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज आज रिलीज हो गई है। फिल्म में आपको मानुष छिल्लर भी नजर आएंगी, वो राजकुमारी संयोगिता के किरदार में नजर आएंगी। और इन सब के बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है, और खबर ये है कि योगी सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है, यानी कि अब टिकट आपको थोड़ा सा सस्ता मिलेगा अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो। योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा इस बात की जानकारी अपने ट्विटर पर दी। योगी आदित्यनाथ लिखते हैं, उत्तर प्रदेश में सम्राट पृथ्वीराज फिल्म टैक्स फ्री होगी, जिसके बाद अक्षय कुमार ने उनका रिप्लाई किया। और आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में भी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने यह फैसला लिया है और शिवराज सिंह चौहान ने बकायदा इसको लेकर ट्वीट किया। शिवराज सिंह चौहान लिखते हैं, महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित श्री अक्षय कुमार जी अभिनीत फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को मध्य प्रदेश में हमने टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है, जिससे महान सम्राट के जीवन को अधिक से अधिक युवा देखें और उनमें मातृभूमि के प्रति अधिक प्रेम जागृत हो। आपको बताते चलें, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस फिल्म को देखा था। अक्षय कुमार और अमित शाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ बैठकर इस फिल्म को देखा था, जिसके बाद उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। दूसरी तरफ अक्षय कुमार हर किसी से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि इस फिल्म को देखा जाए, ताकि हर किसी को कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले और सीखने को मिले। अक्षय कुमार ने रिक्वेस्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा, अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन वॉचिंग द फिल्म सम्राट पृथ्वीराज इन थिएटर्स टुमारो। ये ट्वीट उनका बीते दिन का है, ये भी आपको बता दें। आगे अक्षय कुमार ने लिखा, रिलीजिंग इन हिंदी, तमिल एंड तेलुगु, सेलिब्रेट सम्राट पृथ्वीराज चौहान ओनली एट अ थिएटर नियर यू ऑन 3rd June। तो देखा आपने कैसे अक्षय कुमार इसको प्रमोट कर रहे हैं, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार और यूपी सरकार का समर्थन उनको मिला है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर।